इस क्वेश्चन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन, जैसे ये दो वीक एसिड्स हैं एच ए क्यू, एच प्लस ए क्यू प्लस ए माइनस ए क्यू, और एच बी ए क्यू, तो एच प्लस प्लस बी माइनस, सी वन कंसंट्रेशन लिया वन में से अल्फा वन, तो सी वन में से सी वन अल्फा वन ऐसे डिसोसिएट हुआ, तो ये सी वन वन माइनस अल्फा वन, सी वन अल्फा वन, सी टू अल्फा टू, और यहाँ सी टू वन माइनस अल्फा टू, और ये सी वन अल्फा वन, सी टू अल्फा टू। तो इससे जो है वो फॉर्मूला डिराइव होता है एच प्लस का, वो होता है अंडर रूट के वन सी वन प्लस के टू सी टू। दो फॉर्मूलेज हैं, इनका डेरिवेशन होता है। और ऐसे कैसे जो अल्फा वन का फॉर्मूला होता है के वन ओवर एच प्लस, तो एच प्लस का वैल्यू मैंने ऊपर लिखाई है। नेक्स्ट फॉर्मूला, सिमिलरली अल्फा टू में क्या होगा के टू ओवर दिस। तो आपको एक तो एच प्लस ही फाइंड करना है, फिर ए माइनस और बी माइनस भी फाइंड करना है ना। यहां पे ये सी वन अल्फा वन है और इसको प्रॉपरली लिखना चाहिए, तो ऐसे कॉमन आयन है दोनों जगह, तो सी टू अल्फा टू। तो जो ए माइनस है ये भी फाइंड करना है और बी माइनस भी फाइंड करना है। पहले एच प्लस फाइंड कर ले इस फॉर्मूले से, फिर अल्फा वन अल्फा टू इन फॉर्मूलों से फाइंड करिए, और फाइनली इसमें सबका वैल्यू कैलकुलेट करना है। और कहा गया है दैट कंटेन दिस दिस कंसंट्रेशन, तो डायरेक्ट एच ए और एच पी का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, तो वो वैल्यू सी वन सी टू हमें पता है ही सही, और ए माइनस इससे आएगा, बी माइनस से आएगा, एच प्लस से आएगा। दिस विल प्रोवाइड अस द रिक्वायर्ड आंसर।